19 से, 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है 6x-5 बाई में 4x+1 इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि द लीनियर इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, 6x-5 बाई में 4x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग 6x-5 इक्वल टू अलग से 0 लेते हैं और एक एक्स प्लस क्या जी 4x+1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 5/6 आएगा और यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस का 1/4 आएगा, दो का वैल्यू आ रहे हैं ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6x-5/4x+1 का साइन स्कीम देखेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में ये आपके क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ठीक है, ये जो दो नीले हैं यहाँ पे क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर फोर क्रिटिकल पॉइंट्स आर -4/5 एंड 5/6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, सॉरी माइनस का 1/4 ना, मैंने 4/5 लिख दिया, -1/4 एंड 5/6, ठीक है, माइनस का 1/4 और आपका 5/6। तो देखिए -1/4 यहाँ पे कहीं होगा और 5/6 इधर होगा, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस का इन्फिनिटी। अब देखिए इसके बीच में चलते हैं, इसके बीच में -2 है, अच्छा -2 आप रखेंगे तो इसमें देखिए इसका हम लोग किसकी बात करें, साइन स्कीम किसकी, इस वाले की साइन स्कीम ऑफ क्या है जी, 6x-5/4x+1। तो इसके इधर का कोई वैल्यू रखना, जैसे -2 तो ये ऊपर निगेटिव में आएगा, -2 रखने पर निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा इनके बीच में अगर मैं रखता हूँ, इनके बीच में रखेंगे तो इनके बीच में जैसे आपका 0 है, 0 रखने पर ये माइनस का और ये नीचे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस निगेटिव होगा, इसे टू 0 से तो ग्रेटर हुआ ना जी, या 5/6 से ग्रेटर है ना जी, 2 हुआ, 3 हुआ, जो भी है 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि -1/4 से 5/6 के बीच में निगेटिव में हो रहा है, यानी कि 0 से लेस देन ही ना हो रहा है इसका वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू 0 से लेस देन हो जा रहा है। देयर फोर यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं कि सिक्स एक्स माइनस फाइव बाई में 4x+1 इज लेस देन 0, कब, जब x जो होगा -1/4 से लाई करेगा किसके बीच में, 5/6 के बीच में, यानी कि देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट यानी कि x जो होगा बिलोंग करेगा कहाँ से, -1/4 से 5/6 में। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर